सब्सक्राइब कीजिए एंड ग्रुप यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। कई बार हमारे बाल दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी और अनमैनेजेबल हो जाते हैं, जिनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और जो कि देखने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हमें अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एक स्टेप बताऊँगी जिससे आपके बाल सिल्की, शाइनी और ग्लोसी दिखाई देंगे, उनमें एक नेचुरल शाइन आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे हेयर सीरम के बारे में जिसे आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और अपने बालों में एक नेचुरल शाइन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल। आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए वो बिल्कुल प्योर हो। अगर आपको नेचुरल एलोवेरा जेल मिलता है, यानी कि प्लांट से निकाला हुआ एलोवेरा जेल, तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों एलोवेरा जेल में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारी स्कैल्प की डेड सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, बहुत ही अच्छे कंडीशनर की तरह काम करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और बालों में एक नेचुरल शाइन आपको देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें लेनी है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी जो है हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती है, उनमें नमी बनाए रखती है, बालों को नरिश करती है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें जो लेना है वो है 2 विटामिन E ऑयल के कैप्सूल। ये भी हमारे बालों को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम इस टाइप की एक स्प्रे बोतल लेंगे, उसमें इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाफ ग्लास डिस्टिल वाटर या नॉर्मल वाटर लेकर इसमें अच्छे से मिलाकर इसको शेक कर लें। और इस प्रकार ये हमारा होममेड हेयर सीरम बनकर रेडी हो चुका है। ये हम अपने बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद रूट से टिप तक लगाएंगे। दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कंडीशनर की तरह भी काम करेगा। इससे हमारे बाल नेचुरली ग्लोइंग, शाइनी और सिल्की दिखेंगे और इसका कोई भी हमारी रूट पर या स्कैल्प पे कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें यूज़ करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, तो आप इसे बिना डरे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल एन ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।